नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिएटिविटी। आज हमारे सर्विस सेंटर में एक इंडक्शन आया है जिसका मॉडल नंबर है प्रेस्टीज PIC 3.1 V3। इसका प्रॉब्लम है, ये ऑन करने के बाद कभी कभी हीट हो रहा है और कभी कभी हीट नहीं हो रहा है, बहुत ही कम हीट हो रहा है और बीप साउंड दे रहा है। आपको सुनाई दे रहा है, शायद बीप साउंड दे रहा है कंटिन्यूसली। तो पहले इसको हम अनस्क्रू कर लेंगे, अनस्क्रू करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, पानी गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा और बंद हो रहा है, तो पहले इसे खोलकर देख लेते हैं। दोस्तों, हमने इसका सारा स्क्रू निकाल लिया। निकालने के बाद देखिए, यहाँ पे पहले ये सभी कनेक्शन निकाल लेंगे हम। निकालने के बाद ये बोर्ड को निकाल लेंगे और पहले हम जो चेक करेंगे इसका वोल्टेजेस। इसको हम पहले मेन लाइन में लगा देंगे, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसका जो इनपुट वोल्टेज है उसे हम चेक करेंगे। इनपुट वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, मल्टीमीटर को यहाँ पर रख देते हैं और मल्टीमीटर पे आप लोग देखते रहिए। देखिए, यहाँ पे वोल्टेज जो आ रहा है 240 वोल्ट यहाँ पर मौजूद है एसी। और रेक्टिफायर सेक्शन जो है, रेक्टिफायर सेक्शन का जो एसी लाइन है उस पर भी 238 वोल्ट मौजूद है। और रेक्टिफाई होने के बाद जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आ रहा है 330 वोल्ट, ये भी सही है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये हो सकता है जो वोल्टेज सेंसिंग सर्किट है वो वोल्टेज सेंसिंग सर्किट ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज तो सही है। फिर भी हम एक बार इसका जो कैपेसिटर है उसको निकाल कर देख लेते हैं, चेक करके कि कैपेसिटर सही से काम कर रहा है कि नहीं। पहले मेंस से इसको हटा लेंगे, फिर हमारा आ गया ये कैपेसिटर टेस्टर और इसमें हम ये जो 5 mFd का कैपेसिटर है, 5 mFd का कैपेसिटर पहले हम निकाल लेंगे। कैपेसिटर टेस्टर को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद से दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ ये चालू हो गया। फाइव mFd ही दिखा रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर तो सही है, दूसरी कहीं जगह से प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैपेसिटर भी एक बार चेक कर लेंगे। टू एट्टी एट एन एफ दिखा रहा है और ये कैपेसिटर है कितने का,
ये 0.3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, 0.3 माइक्रोफेराड का। इसका मतलब ये कैपेसिटर भी सही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर जो प्रीसेट है पावर कंट्रोलर का, हो सकता है ये प्रीसेट भी ख़राब हो, इसलिए हम प्रीसेट को भी एक बार चेक करेंगे। प्रीसेट को एक बार चेक करने के लिए हमको रखना होगा इसे 2000 ओम रेंज पर। 2000 ओम रेंज पर रखने के बाद इस प्रीसेट का दोनों पॉइंट को हम टच करेंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है इसीलिए मल्टीमीटर को हटा लिया। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओम दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रीसेट है 500 ओम का और दिखा रहा है 1900-1500 ऐसा दिखा रहा है। तो हम इस प्रीसेट को यहाँ से निकाल लेंगे। और इसे यहाँ से निकाल कर हम यहाँ पे 220 ओम का फिक्स्ड रेजिस्टर लगा देंगे। रेजिस्टर ले लिया 220 ओम का और इसे लगा देंगे हम वो जो प्रीसेट है उस प्रीसेट के बराबर लगा लेंगे। फिर से एक बार फिट करेंगे। और चला कर देखेंगे कि प्रॉब्लम अभी क्या आ रहा है। सभी सेंसर्स को लगा लेते हैं। बर्तन रखकर अभी जो हो रहा है हीट तो हो रहा है, तो इसे कुछ देर तक चला कर देख लेंगे। हाथ गर्म होते जा रहा है, ऑफ कर देते हैं अभी। और इसमें जो ऊपर का प्लेट है, ऊपर का प्लेट यहाँ पर बैठा कर कुछ ज़्यादा पानी डालकर हम इसमें चेक करेंगे। पानी डाल देंगे और इसको हम 2-3 मिनट तक चलाएंगे। इसे ऑन कर लेंगे, वेनू ऑन कर देंगे और इसको चलाएंगे। थोड़ा सा और भी वाटेज बढ़ा देते हैं ताकि हमको ठीक से पता चले। हाँ, ये तो अभी एकदम चकाचक गर्म हो रहा है, पानी भी उबल रहा है सही से। वीडियो को पॉज कर देते हैं और इसको 2-3 मिनट तक चला कर देख लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं और फाइनल रिपोर्ट आपको बताते हैं। अभी 5 से 6 मिनट हो चुका है और ये इंडक्शन अभी ठीक से चल भी रहा है। तो दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम पहले मैंने सोचा था कि ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर ख़राब होने से या फिर वोल्टेज अप डाउन होने से हो रहा है, तो ये मैंने गलत सोचा था। तो उस जगह से भी ये प्रॉब्लम आता है, बीपिंग का प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था ये पावर का जो प्रीसेट है, पावर सेटिंग का, उस प्रीसेट का ख़राब हो जाने से ये इंडक्शन ठीक से गर्म नहीं हो रहा था। तो आपके पास अगर ये इंडक्शन आए तो आपको ये देखना होगा पहले वो वोल्टेज सेक्शन और फिर वो जो प्रीसेट हमने चेंज करा वो प्रीसेट को भी देखना होगा। तो इसी तरह से आज हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और आज के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।